हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वाति का संसार। तो आज एक मंदिर के भव्य दर्शन आपको कराएंगे, नारायणी धाम जो कि सिलवासा में है, वहाँ हम लोग गए थे और आज आपको उसका भव्य नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल वो नज़ारा है। चलिए मेरे साथ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्वामी नारायण टेम्पल। आप देख सकते हो भव्य नज़ारा बाहर से। चलिए आपको अंदर लेके दिखाती हूँ किस तरीके का ये मंदिर है। बहुत ही भव्य बनाया गया है। 1827 में इस टेंपल को बनाया गया था और बहुत ही ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वामी नारायण टेंपल है ये इंडिया का। इस टेंपल में बहुत ही ऐसे यूनिक आर्किटेक्चर किया गया है। आप देख सकते हो इसके अंदर का आर्किटेक्चर, जिसको हिंदू और गुजराती ट्रेडिशंस में इसको बनाया गया है ना, दोनों के स्टाइल को कॉम्बिनेशन करके इसकी कार्विंग हुई, इसकी डेकोरेशन हुई, उसकी जो वॉल्स और सीलिंग आप देख रहे हो। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अंदर जाओगे बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और ये लोकेटेड है रिवर दमन गंगा बैंक पे। इस बेसिकली इसको रिवर गंगा बैंक पे इसको लोकेट किया गया है, उसको बोलते हैं उस जगह को। तो आप देखिए अंदर का, आपको दिखाते हैं एक एक करके कौन कौन से भगवान हैं। सारे भगवान हैं, ये सब स्वामी हैं। आप देख सकते हो ब्रह्माश्चर्य शास्त्री जी महाराज यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बहुत सारे भगवान हैं, विष्णु भगवान, भोले बाबा, मीन्स कॉम्बिनेशन है भगवान का। ये दूसरा आप देखोगे यहाँ पे तो इनका नाम क्या है, इनका नाम प्रभु जी है, राम जी। चलिए अंदर लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना अलाउड है। यहाँ पे कोई भी पार्किंग के चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा कहीं भी नहीं मिला हमें जहाँ पे पार्किंग के चार्जेस होते नहीं होते। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे चार्जेस, आप देख सकते हो। थोड़ा मैं अपना फेस भी आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मैं थोड़ा फ़ोटोज़ ले रही थी है ना अपनी, जो कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही भव्य नज़ारा, सबसे बेस्ट चीज़ बहुत ही पीसफुल जगह। आप यहाँ पे आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना अच्छा फील होगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। एक बार आप यहाँ ज़रूर विज़िट करो अगर आप सिलवासा जाते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे राम जी की, सीता माँ की और आपका हनुमान जी की एक भव्य अंदर एक मंदिर टेम्प बनाया गया है ना। तो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो इसकी कार्विंग कितनी ब्यूटीफुल है। फिर आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको एक और भगवान मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये मंदिर है, बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है। और देखिए आप दर्शन कीजिए सारे भगवान की मेरे साथ साथ। तो कुछ इस तरीके का ये मंदिर बनाया गया है। अब यहाँ पे हम आए तो शिव जी, पार्वती माँ और गणेश जी की एक मंदिर थी। और यहाँ से आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का ऐसा स्टेयर्स बनाए हुए हैं। मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का देखने में लगता है। तो कुछ इस तरीके का ये भव्य मंदिर आपको देखने में लगता है। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, यहाँ से दर्शन कीजिए सारे भगवान। इस सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की है इसका आर्किटेक्चर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीन्स बिल्कुल पुराने स्टाइल में। इतना क्लीन है, इतना साफ़ सुथरा ये जगह है कि आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। गार्डन्स हैं, बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, नो पार्किंग चार्जेस, आप कितनी देर भी रुक सकते हो, राइट। तो 12 से 4 बजे तक ये मंदिर होता है बंद है ना, 4 बजे के बाद फिर ये ओपन होता है। और आपका ये 4 घंटे का जो टाइमिंग है, बस इस टाइम पे ही मंदिर आपका क्लोज रहता है। तो इन्जॉय कीजिए, आई होप आप भी इन्जॉय कर रहे होगे मेरे साथ साथ। यहाँ पे देखो शूज़ ओपन करके तब यहाँ से स्टेयर से आप अंदर जाओगे कुछ इस तरीके से। तो ये है पूरा भव्य मंदिर आपको मैंने दिखाया, आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। यहाँ से दर्शन कीजिए, यहाँ से प्रणाम कीजिए, जब भी सिलवासा आने का मौका मिले तो यहाँ पे आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।